अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। गतिमान हुआ नई मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण, पुलिस विभाग की रजामंदी के बाद काम में जुटी सीडको मशीनरी। लॉकडाउन के कारण दो महीनों से ठप नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अब एक बार फिर शुरू हो गया है। उल्वे की पहाड़ियों को समतल कर तैयार हो रहे इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से 2019 दिसंबर में उड़ान होने वाली थी, हालांकि काम ठप होने की वजह से इसमें देरी हुई। फिलहाल कोरोना संक्रमण के चलते इसका कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया था, जिसे अब गतिमान कर दिया गया है। सिडको की जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे ने बताया कि नई मुंबई एयरपोर्ट निर्माण में और देरी न हो, इसके लिए जरूरी अनुमतियों और सावधानियों के साथ एयरपोर्ट क्षेत्र में प्री डेवलपमेंट कार्य को शुरू किया गया है। वहीं नॉन एरोनॉटिकल एरिया में भी विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं सिडको पीआरओ ने और क्या कहा। करोना व्हायरस से संकट हे फक्त आपल्या देशावरच नव्हे तर पूर्ण जगामध्ये उद्भवलेलं आहे आणि यालाच लढा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि इतर गव्हर्नमेंट बॉडीज हे पूर्णपणे प्रयत्नशील आहेत। याचाच एक भाग म्हणून सिडकोने हाती घेतलेले महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, याच्या कामाला देखील अडथळा येऊ नये म्हणून सिडकोने एक महत्वाकांक्षी निर्णय घेतलेला आहे आणि या कामाला पुन्हा एकदा गती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। याच अनुषंगाने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम पुन्हा एकदा जोमाने सुरू करण्यात आले आहेत। सुरुवातीला आपण प्री डेव्हलपमेंट कामं जी केली होती ती मोर दॅन 97% आपण जी कम्प्लीट केली होती ती आता फिनिशिंग स्टेजला आपण आलेलो आहोत। त्याचबरोबर नवीन कामांना देखील सुरुवात केलेली आहे, जिथे उडानं घेणार नाही पण तो देखील एक एअरपोर्टचा भाग आहे असे नॉन एरोटिकल एरिया आहेत, तिथे देखील आपण प्री डेव्हलपमेंट कामाला सुरुवात केलेली आहे। तर ओव्हरऑल या क्रायसिसमध्ये देखील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला कुठेही अडथळा आलेला नाही आणि हे काम पुन्हा एकदा फुल स्विंगमध्ये सुरू करण्यात आलेलं आहे।